आज एक बार फिर मैं सब आप सभी के साथ हाजिर हूँ प्रदीप। और आज का विचार है कि हम कितने बड़े क्यों ना हो, कितने पढ़े लिखे, कितने शिक्षित क्यों ना हो, कोई भी डिसीजन उतावलेपन में नहीं लेना चाहिए और कोई भी डिसीजन लेते समय उसके बारे में अच्छे से सोच विचार लेना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम क्या होता है। आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगा। आपने तुगलक वंश के बारे में पढ़ा ही होगा और तुगलक वंश में भी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा होगा, जिसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। अब इसकी वजह क्या है वो आप देख लीजिए। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक को गद्दी मिली, उसने क्या किया, दोआब कर ठीक है दोआब कर को 10 गुना बढ़ा दिया, कहीं कहीं 20 गुना पढ़ने को मिलता है। और इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इनका जो खजाना था वो खाली हो चुका था, खजाना खाली हो चुका था और इन्होंने बढ़ा दिया। पर उस टाइम इन्होंने ये नहीं देखा कि उस टाइम पे अकाल पड़ा हुआ था। क्या पड़ा हुआ था? अकाल पड़ा हुआ था। अब सोचिए कि जनता कहां से इनको 10 गुना कर लेगी जब कुछ भी पैदा ही नहीं हो रहा है, कुछ अनाज हो ही नहीं रहा है। तो जनता में भारी असंतोष फैल गया, जनता में भारी असंतोष स्वाभाविक है, फैलना ही था। दूसरा इनका निर्णय ली, देखिए इन्होंने क्या किया, राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी पहले दिल्ली से और दिल्ली से इन्होंने क्या किया, देवगिरी। हालांकि इनका उद्देश्य गलत नहीं था, इन्होंने देवगिरी स्थानांतरित इसलिए किया था कि आक्रमण मंगोलों के आक्रमण से ये बचा सके, ठीक है। और ये भी इनका निर्णय गलत साबित हुआ, वो इसलिए क्योंकि ये एक साथ पूरी जनता को कहां ले जा रही थी, देवगिरी। और उस टाइम पे क्या थी, भीषण गर्मी थी, जनता त्रस्त हो गई। और जनता जब वहां पहुंची तो जनता का जो मन था वहां एकदम लगने वाला नहीं था, तो ये भी जो इनका डिसीजन था वो भी गलत हुआ। तीसरा इन्होंने क्या किया, सांकेतिक सिक्के का चलन, इन्होंने सांकेतिक सिक्के का चलन करवाया, पीतल के सिक्के चलवाए। अच्छा किया हालांकि इन्होंने, पर गलती इनसे क्या हुई कि सिक्कों पे कोई भी सरकारी मोहर नहीं थी। क्या नहीं थी? सरकारी मोहर, ठीक है। और सिक्कों की ढलाई पर इनका कोई नियंत्रण नहीं था, तो ऐसे में होना क्या था, आम जनता बहुत ही इंटेलिजेंट थी, उन्होंने सिक्कों की ढलाई खुद ही घर में करनी शुरू कर दी और जो सरकारी सिक्के थे उनके साथ मिलाकर चलाने लगे। तो इनके जो तीनों डिसीजन थे वो फेल हुए। और मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर क्या कहा गया है कि जो तुगलक था, तुगलक को जनता से और जनता को तुगलक से मुक्ति मिल गई, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं कि शासक को जनता से और जनता को शासक से मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप कोई भी निर्णय लें तो उसको सोच समझ के निर्णय लें और उतावलेपन में कभी निर्णय ना लें।